आज मैं मिल्क पाउडर से मोदक की रेसिपी बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ये 1.5 कप मिल्क पाउडर ली हूँ, 1 कप मैं दूध ली हूँ और पिसा वाला इलायची ली हूँ 3। सबसे पहले मैं गैस में पैन को चढ़ा लेती हूँ। इसमें 1 चम्मच मैं घी डाल लेती हूँ। घी को गर्म होने देती हूँ। अब मैं इसमें 1 कप दूध डालती हूँ। अब मैं मिल्क पाउडर को डाल लेती हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। दूध को मैं हल्का रूम टेम्परेचर में मैं गर्म की और इसे उतार ली हूँ और इसमें मिल्क पाउडर डाल करके इसे अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। मिल्क पाउडर आप किसी भी सुपरमार्केट से ले सकते हैं, ये आसानी से मिल जाता है। मिल्क को लगातार चलाते रहना है। गैस को लो मीडियम आंच पर रखना है और दूध को अच्छी तरह से पकाना है। दूध में हल्का उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें भुना वाला सूजी 2 चम्मच मैं डाल लेती हूँ और दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसे अच्छी तरह से मैं पका लेती हूँ। इसे लगातार चलाते रहना है। इसी टाइम में मैं इलायची का पाउडर को भी डाल करके मिक्स कर लेती हूँ, जिससे इलायची का स्वाद आएगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। देखिए गाइस, ये हमारा सूजी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और फूल भी चुका है। अब इसे मैं हल्का ठंडा होने देती हूँ, उसका मोदक बनाऊंगी। देखिए गाइस, ये मिश्रण हल्का ठंडा हो चुका है। अब मैं इनका मोदक बनाने वाली हूँ। इसे मैं छोटे छोटे डो बना लेती हूँ और इसका सभी मोदकों को मैं ट्रायंगल का शेप दे देती हूँ। इसी तरह बाकी लड्डुओं को भी, यानी मोदकों को भी मैं ट्रायंगल का शेप दे देती हूँ। चम्मच को मैं उल्टा कर लेती हूँ और उससे मैं मोदक को डिजाइन दे देती हूँ। इसी तरह मैं बाकी सब मोदकों को मैं स्पोक की सहायता से मैं इस तरह डिजाइन बना लेती हूँ। देखिए गाइस, ये हमारा मोदक बनके रेडी हो चुका है। लग रहा है ना यम्मी टेस्टी, खाने में उतना ही लाजवाब है। हमारा ये मोदक का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग भी जरूर घर में ट्राई कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।